मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बताते चलें कि आज बरेली में 5 नए कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना की पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हो गई 137। डिस्चार्ज मरीज 47 हो चुके हैं, 2 मरीज की मौत हो चुकी है। अब तक कुल कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 88 बताया जा रहा है, डॉक्टर रंजन गौतम ने पुष्टि। वहीं आपको बताते चलें, आज हिंदू जागरण एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना के नेतृत्व में जिला मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया। इसमें बताया गया है कि सभी धार्मिक संगठन के क्षेत्रवासी द्वारा अवगत कराया गया, बरेली के थाना किला मलकपुर में एक दुकान अबकारी नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही है तथा इसको बंद कराने की उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की। वहीं आपको बताते चले, आज बजरंगी लाल जन कल्याण सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष अमन सक्सेना के नेतृत्व में आज राम जानकी मंदिर पर 51 दियों के साथ उन्होंने सहायता बैंक का शुभारंभ किया। इस दौरान अनेकों मंदिर में सैनिटाइज करने का कार्य भी किया। इस दौरान उन्होंने अनेकों मंदिर में अपनी टीम के साथ जा जाकर सैनिटाइज कर उन्होंने कहा कि इस महामारी में किसी जरूरत होती है, हमारा संगठन हमारे साथ है। वहीं आपको बताते चलें कि फरीदपुर के भाजपा नगर मंत्री अनिल कश्यप के विवाह समारोह में आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के साथ तमाम भाजपा पदाधिकारी सदस्य शामिल रहे। इनमें राज्य जागरण युवा संगठन के ओमवीर गुर्जर प्रदेश सचिव भी मौजूद रहे तथा इन्होंने वर वधु को आशीर्वाद दिया। वहीं आपको बताते चलें कि आज जिले में कोरोना का प्रकोप में मद्देनजर रखते हुए जिले की समाज सेविका पल्लवी सक्सेना ने आज अपनी कॉलोनी में सैनिटाइज कराने का कार्य किया। उन्होंने बताया कोरोना से बचाव के लिए सचेत किया और कहा कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस कोरोना जैसी महामारी को हम सबको मिलकर साथ लड़ना है और इससे हमें जीतना है। वहीं आपको बताते चलें कि आज समाज सेवी शिवम अग्रवाल ने बाबा नीम करौरी महाराज की 15 जून को स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने कुष्ठाश्रम में रेलवे स्टेशन पर लगभग 500 पैकेट प्रसाद का वितरण किया तथा उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन में हमारे द्वारा जरूरतमंद तथा गरीब परिवारों के लिए उन्होंने भोजन का वितरण किया है और यह श्रृंखला जब तक लॉकडाउन रहेगा और कोरोना जैसी महामारी लड़ने के लिए जरूरतमंदों के लिए सेवा हमेशा जारी रहेगी। वहीं आपको बताते चलें, कुकर्म करने वाला आरोपी का परिवार बना रहा है फैसले का दबाव। थाना बारदरी क्षेत्र के काकाटोला चौकी में बबलू पुत्र पुंडूलाल शर्मा विरुद्ध धारा पास्को के अंतर्गत थाना बारदरी मुकदमा दर्ज कराया गया। अपराधी के वक्ता मुकदमे बेचना चौकी इंचार्ज यादव को दी गई। समझौते का दबाव बना रहे हैं, मना करने पर मुस्लिम पक्ष को लोगों से मिलकर झूठा मुकदमा कायम करने की मांग करें तथा उन्होंने अपने जान से पुराने आज जिलाधिकारी को अपनी जान बचाने के लिए ज्ञापन दिया। वहीं पे आपको बताते चलें कि आश्रम के साधु को दबंग कर रहे हैं परेशान साधा, कपड़ों में पुलिस बताकर घुसे आश्रम में। थाना सीबीगंज के निवासी सराय तल्फी आश्रम के बाबा SSP से शिकायत की। रविवार शाम 5 बजे 3 व्यक्ति आए, अपने आप को पुलिस बता रहे थे, आश्रम में आए, उनको अपशब्द अपमानित करने लगे। आश्रम के नाम पर धंधा करता है, सुल्फा गांजा बेचने का कार्य करता है। प्रातः आश्रम के लोगों ने गलत बोलने को मना किया तो कथित पुलिस वालों ने हम तो आसाराम बाबू को बना देंगे चाहे कह रहे थे और अलग सलग बोलने का प्रयास था। इस आज इन दोनों आश्रम के बाबाओं ने आज जिलाधिकारी को SSP से मदद की गुहार लगाई। वहीं पे आपको बताते चलें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने नालों की सफाई और मरम्मत की मांग की। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों महानाध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला, महानगर महामंत्री दीपक द्विवेदी, राजश्री पारासरी के नेतृत्व में नगर आयुक्त को 7 सूत्री ज्ञापन देकर मांग की। बरसात आने वाली है, शहर के सभी बड़े नालों की मरम्मत व सफाई समय रहते करवाई जाए, सड़कों की मरम्मत करवाई जाए। संजय नगर बाईपास स्थित अनेक जगह ऐसी हैं जहां पे पानी भर जाता है। देखिए, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आज शिष्टमंडल के साथ यहां पर आया हुआ नगर आयुक्त महोदय से मिले। चूंकि शहर में तमाम छोटी छोटी ऐसी समस्या है, नगर आयुक्त उसको नहीं जानते हैं, तो हम लोग अवगत कराने आए थे। चूंकि इस समय हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरे शहर में नालों का निर्माण हो रहा है, लेकिन नालों का निर्माण किस तरीके से हो रहा है ठेकेदार से सहमत नहीं है। वो नाले में सीमेंट कम लगा रहे हैं, रेता घटिया लगा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके अलावा शहर भर की तमाम ऐसी सड़कें हैं जो मरम्मत लायक हैं, उनकी मरम्मत होनी चाहिए। इसके अलावा कई बिंदु हैं, जैसे कि अब आने वाले समय लॉकडाउन के बाद जो है जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सैनिटाइज होना चाहिए, क्योंकि भक्तगण अब वहाँ पहुँच रहे हैं तो कोरोना संकट से उनको मुक्ति मिले। और तमाम समस्या लेकर आज व्यापार मंडल का शिष्टमंडल यहाँ पर आया हुआ है और मुझे लगता है हमारी मांग पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला बरेली में दहेज की खातिर पत्नी को घर से निकाला। थाना बारदरी क्षेत्र की काकाटोला निवासी सोनम पत्नी पुत्री चमन प्रार्थनी को शादी हिंदू रीति रिवाज से रजत पुत्र संतोष
तलाइया मोहल्ला काटा कोला के साथ हुआ था। शादी कुछ समय बाद सब कुछ ठीक रहा, लेकिन पति रजत, मम्मी ससुर बबलू और सभी लोग परेशान करते, दहेज लाने पर ताना देकर परेशान करने लगे। वहीं पे आज उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दी। इस बीच रजत के संसार प्रार्थनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसी बीच को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। आज प्रार्थनी ने माँ ने कूलर दिलवा दिया, उसके बाद भी मम्मी ससुर परेशान करने लगे। आज उन्हें मोटरसाइकिल लेकर नहीं दिए, घर से निकाल दूंगा, इस तरह के वाक्यांश कहते हुए आज पीड़िता ने न्याय के लिए एसएसपी दफ्तर से मांग की। आपको बताते चले कि नाबालिग लड़की की शादी रुकवाने को एसएसपी ऑफिस में लगाई गुहार। गुड़िया पत्नी आरिफ निवासी सकलैन नगर मुर्तजाली साहब का मजार की निवासी, उसने एसएसपी से शिकायत की। यास्मीन पत्नी सरताज नबी, उसका बेटा फैसल, अपनी छोटी बहन जैनब जिसकी उम्र 14 साल की, शादी चंद पैसों के लालच में कर रहा है। जैनब द्वारा विरोध करने पर पिटाई की और रोती हुई गुड़िया घर पहुंची तो गुड़िया यास्मीन आपस में रिश्तेदार हैं। गुड़िया ने एसएसपी से नाबालिग की शादी रुकवाने और जानमाल की सुरक्षा की मांग की। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।